प्राइम डिबेट विच तुहाडा स्वागत है। पंजाब दे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अते उन्हां दा परिवार आमदन तो वध जायदाद दे केस विचों आखिरकार 7 साल बाद बरी हो गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे कार्यकाल दौरान शुरू होए इस केस विच कई तरह के उतरा चढ़ा आए। अज केस दा फैसला आने तो बाद अकाली भाजपा वर्करां ने लड्डू वंड के खुशी मनाई, पर विरोधी पार्टियां अते आम लोग कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। बादल परिवार के केस का फैसला आने तो बाद पैदा हुए सवालों के जवाब आज की चर्चा में लभण की कोशिश करांगे। बादल परिवार खिलाफ सारा मामला आखिर है कि ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। स्पेशल जज हैज एक्विटेड सर प्रकाश सिंह बादल, मिसिज सुरेंद्र कौर बादल एंड सुखबीर सिंह बादल रिप्रेजेंटेड बाय मी एंड अदर अक्यूज्ड होल्डिंग दैट नो एविडेंस हैज कम ऑन द फाइल टू इवन पुट टू देम अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी। हाउएवर कंप्लेंट अगेंस्ट सुरेंद्र पाल सिंह एसएसपी द आईओ हु फाइल्ड चलान एंड बीके उपल डीआईजी वाज सुपरवाइजिंग इन्वेस्टिगेशन for lodging a false case against them is ordered to be filed and this case was totally false registered in 2003 under the orders of captain amrinder singh ji then chief minister punjab। captain amrinder singh de mukh mantri vajon karjkal duran november 2003 vich badal parivar khilaf aamdan to vadh jaidad banaun da case darj kita gaya si। विजिलेंस ने पहला बादल परिवार खिलाफ अकाली भाजपा की 1997 तो 2002 तक रही सरकार दौरान 3000 करोड़ रुपए की आमदन तो वध जायदाद बनाने का केस दर्ज किया सी, पर बाद विच अदालत विच चलान सिर्फ 78 करोड़ रुपए का ही पेश किया गया। 2007 विच प्रकाश सिंह बादल के मुड़ मुख्यमंत्री बनने तो बाद केस के गवाह लगातार मुकरन लगे। इस मामले विच कुल 137 गवाह ने बयान बदले। केस के जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह ते विजिलेंस आईजी बीके उपल भी अपने बयान बदल गए। मोहाली ते चंडीगढ़ तो नरेंद्र जग्गा ते संजय मेहता नाल खुशहाल लाली डीएन नाइट न्यूज़। बादल परिवार संबंधी आए फैसले तो बाद हुण की होवेगा, अजिहे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करांगे स्टूडियो विच मौजूद साडे मेहमानों तो। मनजीत सिंह खहरा सीनियर एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, परमजीत सिंह बराड़ वो भी वकील ने हरियाणा हाई कोर्ट के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के, आर एस बैंस एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, और विक्रम चौधरी जिहड़े वकील ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। प्राप्त साहब मैं तुहाडे तों पहले शुरू करूँगा, जिहड़ी बादल साहब की इस केस के सारे परिवार की जिहड़े बरी होए आ, ये तुहानूं की लगता कि यह केस ही झूठा सी माड़ा सी या जिहड़ा सियासी बदलाव पंजाब च आया वा 3.5 साल पहलों उहदे करके ये केस जरा सारा रिवर्स होया? अज का यह फैसला आने तो बाद बिल्कुल सी साबित हो गया कि केस सारा ही झूठ का पलंदा तैयार किया गया सी, बल्कि गवाहों नूं मजबूर होकर गवाहियां भरन वास्ते उन्होंने बयान लिखे गए सी। सारे गवाहों के बयान उन्होंने अपने कि सानूं डरा धमका के बयान लिखे सी। ये तुसी इस करे कह रहे हैं कि बादल साहब ने केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं या तुसी वाकई फील कर दीजिए केस या झूठा? मैं कोर्ट दे विच जो एविडेंस है मैं उसकी गल कर रहे हैं। खैरा साहब तुसी नाओ ये सारा केस वेख रहे जे कई सालों तो हुण, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਜੇ ਮਿਸਟਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੀ ਝੂਠਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਗਈ? ਆਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੇਸ ਉਹ ਸਟਾਰਕ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਬੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬਿਯੋਂਡ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ, ये 90% डाकूमेंटरी एविडेंस से बेस्ड है। जेडे इनकम टैक्स रिटर्न से बेस्ड सी, जिदे क्वेश्चन सी कि जेडे बंदियां दे लोन्स दिखाए आ उन्होंने दिते, ये कोई वड्डी चौड़ी किसी की ओरल एविडेंस की गल नहीं सी।
उन्होंने बैंक अकाउंट्स मंगा के उन्होंने ट्रांसफर हुए 20,000 तो उत्ते कोई भी पैसे किसी को दिते जाते हैं। इनकम टैक्स डिमांड करता है कि बाई चैक हो पर खैर साहब कोई तो कमी होगी ना जो केस ही डिग पे व्हाट आई एम सेइंग जेडे इनवेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने वह एविडेंस कोर्ट सबमिट की उन्होंने आके कहना कि सब तो जबरदस्ती दस्तखत कराया घट्टो घट एक गल जरूर है कि दोज टू IPS ऑफिसरस इन्ने सीनियर ने और उन्होंने तो लोगों की तवक्को है कि वह फिर एक्ट करे उन्होंने पहलों दस्तखत करके केस सबमिट करना फिर मुकर जाना घट्टो घट जिहड़ा 1 करोड़ रुपया इस केस से खर्च होया उन्हों तो जरूर रिकवर करना चाहिए। चलो एटलीस्ट दीज टू पीपल आर गिल्टी फिर आके मुकर जाना और कोर्ट का इस ईजी क्विटल अनाउंस कर देनी विदाउट कॉलिंग इन फॉर ट्रूथ जे इनवेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुल गया दिस वॉज ए केस जिदे री इनवेस्टिगेशन फ्रॉम एन इंपार्शियल एजेंसी जरूरी सी। चलो ये आप अगे चर्चा करते हैं मिस्टर चौधरी नौ मिस्टर बराड़ के नाल तुसी भी जी टीम के हिस्सा सी जी बिल्कुल बादल फैमिली की बिल्कुल लॉयर्स टीम सी बिल्कुल तुसी एग्री करते जे मिस्टर खैरा नाल मैं खैरा साहब के व्यू सुने ने जी मेरी एक बड़ी गुजारिश है जी क्योंकि खैरा साहब मेरे हिसाब से उन्होंने कागज़ नहीं पढ़े ने या केस नाल एसोसीएट नहीं रहे नहीं तो इस गलते कमेंट ना कर दे कि कोर्ट ने कोई गवाही नहीं मंगवाई या सबूत नहीं देखा पहला कि असी इस केस से चर्चा करिए सानू इस केस का पता होना चाहिए जी ये बनया कदों सी और किवें बनया सी। सन 2002 दी इलेक्शन तो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक चिट्ठी लिखी थी सरदार प्रकाश सिंह बादल नू एक ओपन लैटर से उस दे विच उन्होंने उन्होंने एलीगेशन लगाए थे डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स के उस चिट्ठी तो बाद सरकार बनने तो बाद प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर सरदार प्रकाश सिंह बादल और उन्होंने लड़के सरदार सुखबीर सिंह बादल दोवे ने मुकदमे दायर किए थे उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से डेफामेशन के क्रिमिनल कंप्लेंट्स और सिविल सूट्स क्रिमिनल कंप्लेंट्स के डेफामेशन केस के करीब करीब सारे जस्ट अलाउ मी टू गिव यू डेट्स बिकॉज डेट्स आर इंपॉर्टेंट करते हैं हां जी डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन दीज केसेस चार्जेस वर फ्रेम कैप्टन अमरिंदर सिंह वॉज समन्ड Now this FIR is registered in June 2003. Please see this crucial date when these cases were already pending. And FIR was a replica of that letter, which is the basis of that defamation case. In fact, Mr. Badal has been pleading that this FIR is a defense which is being created in those defamation cases. Now in June 2003, the FIR is registered on the directions of the Chief Minister himself. So you are saying that that letter formed the basis of the FIR. Correct. So the officers were told to fire a particular type of FIR. Absolutely. I will now demonstrate it further. In November 2003, when this challan is filed in the court, this challan is actually based on what? The income tax reports of Mr. Badal and his family, and they conduct an analysis that look, this income tax is saying this, but actually this should be this. And therefore, they prepared a comparative chart and submitted a report. There are threefold charges against Mr. Badal. One is creation of disproportionate assets. Second is that he availed official services of certain officers at his Balasar farm. And third, that there are certain people who have accepted bribe and he is the beneficiary. Now, all these three charges, all witnesses have come. The first basic charge was the disproportionate assets of the properties. Now those properties were assessed to income tax. There are three properties in question. One was a farm in Balasar, Haryana. Second was a resort, which is actually a company in Gurgaon. And third was a house in Sector 9. Now all these three properties were independently Vigilance Bureau at the same time when they registered the case, asked the income tax to assess these properties that they had not disclosed the correct value. Income tax assessed these values. Right. And income tax came to a conclusion in 2006 when this government was not there. Right. The earlier government was there which had foisted this case. And income tax came to a conclusion that no, what disclosures have been made in the income tax is in fact more than the even the value at that time. Right. Mr. Chaudhary, I think you have raised issues. Mr. Khera, would you like to react to what Mr. Chaudhary is saying?
question was the sources of money which were disclosed in the income tax by Sardar Prakash Singh Badal. Those sources were investigated and it was found that the money has not come from those sources and those people have no resources to give that money. That evidence was shut out by the investigation. They didn't produce that evidence. That was questioned. Then let me tell Mr. Khaira that 59 witnesses were examined by the prosecution and prosecution had closed its evidence. Subsequently, the courts intervened and the courts examined all the witnesses. So, we will come to the witnesses also. Now, Mr. Benz, you followed this case. It was a high-profile case which has registered a high-profile acquittal now. That's right. Is it anything short of the theatre of the absurd? देखो केस झूठा यह है कि 7-8 हज़ार का चाहिए सी ना कि 78 करोड़ का सारे बच्चे बच्चे जानते हैं कि इन्हें बादल पाव को किन्ने ज्यादा एसेट्स ने यह तो साढ़े क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो एक बड़ा सवाल है कि तुसे एक भी वाले बंदे नु क्रॉस कर वेल टू डू फैमिली व्हिच हैड लैंडेड प्रॉपर्टी व्हिच हैड अ हाउस व्हिच हैड हाउसेस आई वुड से अ हाउस सी एहो जे पहला केस है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी अपने चार्जशीट नु बदल रहे ने वो कहंदे असी चार्जशीट दित्ती नहीं साडे तो कराए गए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है जिथे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तक सो इसका के सानू बहुत सीरियस सोचना चाहिए कि जे जज इन्हें आसानी नाल ये बिल्कुल ठीक गल है कि जे किसी होर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दिता जाता तो एसेट 7-8 हज़ार के आने से ना कि 78 करोड़ के आने से राइट मगर बादल परिवार के फैसले तो बाद अकाली भाजपा वर्कर जिथे जश्न मना रहे हैं उत्थे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक नवी पहलकदमी की अदालती फैसले तो बाद असैम्बली में पहुंचे मुख्यमंत्री ने सूबे विचों बदलाखोरी की सियासत को खत्म करने का सदा दिंदा कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पाए दो निजी केस वापस लैण का भी ऐलान किया। वसीलियां तो वध आमदन के मामले से बरी होने तो बाद बादल परिवार हुण किसी भी तरह की बदलाखोरी की राजनीति तो किनारा करना चाहता है। 7 साल तक अदालतों में तरीकों भुगतन तो दुखी हो चुके डिप्टी मुख्यमंत्री हुण कह रहे हैं कि सियासतदानों आपसी किड़ां की थां लोगों दी समस्यावां दे हल करन नूं पहल देनी चाहिए है। असी जदों साढ़े ते केस होए बनाए गए असी उदों ही कहा सी साढ़े खिलाफ झूठे केस बनाए गए है पोलिटिकल वंडेटा दे केस है ते असी उदों भी कहा सी सानू कानून ते पूरा विश्वास है परमात्मा दे आशीर्वाद साढ़े नाल है ते असी सारी प्रूव करांगे कि साढ़े ते झूठा केस किया गया ते अज कोर्ट दा जिहड़ा वर्डिक्ट होया 7 साल बाद असी हर तरीक ते गए हर जुडिशियल प्रोसैस पूरा फॉलो असी जिवें जिवें हुक्म हुंदा सी असी करदे रहे ते तुसी देखिया होना 7 साल बाद कोर्ट ने क्लियर कट वर्डिक्ट दिता है कि एक भी कोई आयोटा ऑफ ट्रूथ उन्हां दी एलीगेशन ते नहीं सी ते सानू उन्होंने बरी कीता है। अदालत दे इस फैसले तो बाद अकाली दल दे विधायकां ने असैम्बली विच ही फैसले दी जानकारी मिलन ते खुशी प्रगट कीती अते मिठाइयां नाल इक दूजे दा मूंह भी मिठा करवाया। अकाली दल की गठजोड़ वाली पार्टी भाजपा विच भी खुशी की लहर सी पर नाल ही भाजपा का कहना सी कि विरोधी धिर कांग्रेस वालों बदलाखोरी की राजनीति बारे कोई प्रतिक्रिया ना देना मंदभागा है। अज मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने और श्रीमती सुरिंदर कौर बादल जी ने मानयोग अदालत ने जोड़े भ्रष्टाचार के केस है उन्होंने चो बरी किया। सो मैं सब तो पहला बधाई देना और मानयोग अदालत का जो निर्णय है वो सारे जहनसीब है और अज एक नवी शुरुआत हुई विधानसभा के